बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आइए जी देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन फोर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम दैट द सेम नंबर अपीयर्स ऑन ईच ऑफ देम। अब आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि एक डाई को रोल करें, थ्रो करें, टू डाइस, ठीक है, टू डाइस तक ये ज़्यादातर आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो छह पॉसिबल केसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर टू डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2, 36 केसेस बनेंगे। और इसी तरह अगर थ्री डाइस को आप थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 3, 216 केसेस बनेंगे। और यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर डाइस की, तो व्हेन फोर डाइस आर थ्रो तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 6 की पावर 4 बनेंगे। इसमें वो कह रहे हैं कि आप उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो सेम नंबर अपीयर्स ऑन ईच ऑफ देम। सेम नंबर्स हों, वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, वो ये नंबर होंगे, जैसे 1, 1, 1, 2, 2, 2, इसी तरह 3, 3, 3, फिर 4, 4, 4, फिर आ जाएगा 5, 5, 5, और फिर 6, 6, और 6। तो ये 6 पॉसिबल इवेंट्स हैं जब सेम नंबर अपीयर्स ऑन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पर देखें ये टोटल कितने हैं, 6 हैं, और नीचे क्योंकि 4 डाइस हैं तो 6 की पावर 4 टोटल सैंपल स्पेस के इवेंट्स आ जाएंगे, ऐसे ही है। और इसको आप डिवाइड कटिंग कर लें, 6 वन्स आर 6, तो 1 ओवर 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 जो है वो 216 के इक्वल आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। ओके, तो इस तरह से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बेटा चार्ली ऑप्शन, 1 ओवर 216। समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। देखें इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम हो मेरे से आप ज़रूर डिस्कस करें, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।